नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। आईएएस टॉपर्स के देश के सबसे लोकप्रिय टॉक शो एक मुलाकात में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हमारे विशेष मेहमान हैं 2024 बैच के आईएएस टॉपर, देश भर में दूसरा स्थान हासिल करने वाले अनिमेश प्रधान। 2 फरवरी 2000 को जन्मे अनिमेश ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये ओडिशा के अंगुल जिले के भालुगड़िया गांव के मूल निवासी हैं। अनिमेश अपने जीवन की इस बड़ी सफलता को अपनी मां के साथ शेयर करना चाहते थे, लेकिन भावुक कर देने वाली बात यह है कि रिजल्ट घोषित होने के एक महीने पहले ही इनकी माँ का टर्मिनल कैंसर की वजह से निधन हो गया। इनके पिता प्रभाकर प्रधान अंगुल जिले के कोलियरी शहर के एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे, जिनका दिसंबर 2015 में निधन हो गया। माता और पिता दोनों के न रहने के बावजूद इन्होंने धैर्य से काम लेते हुए पढ़ाई पर एकाग्रता बनाए रखी, जिसका नतीजा यह रहा कि इन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। अनिमेश बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। 12वीं क्लास में इन्होंने 98.8% अंक हासिल किए थे। इसके बाद अनिमेश का एडमिशन NIT राउरकेला में हुआ। यहां से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। इसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में नौकरी प्रारंभ की। नौकरी के साथ साथ इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जारी रखी। बड़ी बात यह है कि अनिमेश ने बिना किसी कोचिंग के पहले ही प्रयास में UPSC में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। अनिमेश से आज हम इनके सफलता की कहानी पर तो बात करेंगे ही, साथ यह भी जानेंगे कि जो नौजवान UPSC की परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको किस तरह तैयारी करनी चाहिए। अनिमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएएस टॉपर्स के देश के सबसे बड़े टॉक शो एक मुलाकात में। आपकी कहानी तो अनिमेश बहुत भावुक करने वाली है। कैसे संभाला अपने आप को कि रिजल्ट घोषित होने से ठीक एक महीने पहले आपकी माताजी का टर्मिनल कैंसर की वजह से निधन हो गया? ये एक बहुत बड़ा हैप्पी डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, परंतु वो जो कमी है वो कितनी भी बड़ी अच्छी खबर हो वो तो फिल कर नहीं सकती। परंतु ये बात की खुशी भी है कि मेरे रिजल्ट के वजह से मैं अपने मम्मी पापा के बारे में बता पा रहा हूँ। लोगों को पता चल रहा है कि मेरे माता पिता कितने अच्छे पेरेंट्स थे और उनकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल्स रही है, उनकी खुद के सैक्रिफाइसेस रही हैं। तो एक तरह से मेरी कामयाबी की वजह से उनको अपना जो ड्यू रिकॉग्निशन था वो मिल पा रहा है, उससे बेहद खुशी भी हो रही है। सबसे पहला ख्याल क्या आया आपके मन में जब आपने रिजल्ट सुना कि आपने देश भर में नंबर 2 की पोजीशन हासिल की है? बहुत टाइम तक सर विश्वास हुआ ही नहीं। मैं 3-4 जगह से PDF डाउनलोड करता ही रहा कि कहीं ये सही में हो गया कि नहीं, क्योंकि जब प्रिपरेशन हम करते हैं चाहे जो भी टॉपर हो हमेशा यही होप रहती है कि कहीं लिस्ट में नाम आ जाए। और बहुत अच्छी सपनों में भी यही लगता था कि कोई डबल डिजिट रैंक आ जाए ताकि IAS मिल जाए पहले अटेम्प्ट में। कभी ये नहीं सोचा था कि दूसरी रैंक हासिल होगी, तो बहुत टाइम तक तो लगा कि ये सच ही नहीं हो सकता। अनिमेश, अपने बचपन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं और अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में। तो सर जैसे आपने बताया, मैं अनुगुल जिले ओडिशा में तालचेर एक शहर से, एक छोटी सी शहर है जहाँ पे MCL कोल इंडिया का पूरा सेक्टर है, वहां से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड देखिए तो एक फार्मर बैकग्राउंड से आता हूँ मैं, परंतु मेरे पापा उनकी शायद हालात मेरी से भी ज्यादा खराब थी, रिसोर्स कॉन्स्टेंट थी, फिर भी वो एक लेक्चरर थे पॉलिटिकल साइंस में। और मेरी मम्मी बहुत सालों तक अपने जीवन में टीचर थी, हेडमिस्ट्रेस थी एक अपर प्राइमरी स्कूल की, जहाँ पे वो हिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट थी। और उसके बाद कुछ साल, लास्ट 7-8 साल उन्होंने कोल इंडिया में कार्यरत थी वो।
और मेरी एक बहन है, बड़ी बहन, जो अभी असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ओडिशा गवर्नमेंट के तहत काम कर रही है अनुगुल में। तो हम दोनों ही भाई बहन शुरुआत से ही पढ़ाकू थे, और हमारे घर की माहौल भी वैसी थी कि हम बहुत डिसिप्लिन, बहुत कंसिस्टेंटली काम करते थे। बट उसके अलावा मेरी रुचि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी रहती थी। मैं स्कूल कॉलेज दोनों में ही जो भी मौका मिलता था, स्पोर्ट्स के अलावा बाकी सब चीजों में मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहा करता था। तो मैंने पूरा अपनी पूरी अपनी जिंदगी 24 साल एक ही क्वार्टर्स में, कोल इंडिया के क्वार्टर्स में बिताया है तालचेर में। और वो एक ऐसा छोटा सा परिवार बन जाता है कॉलोनी में कि जब हर कोई हर किसी को पहचानता है, तो बहुत कम्युनिटी वाली फीलिंग रही है। और वही कॉलोनी में मेरे बहुत ज्यादा रहा है मेमोरीज। एक ही सेम स्कूल में मैंने पढ़ी है LKG से 12वीं तक, DAV पब्लिक स्कूल कलिंग एरिया तालचेर। तो उस एरिया से मेरी बहुत ज्यादा पर्सनल स्टोरीज अटैच है सर। अनिमेश, एक चीज आपने नहीं बताई, आप पढ़ाकू थे ये तो हमारे दर्शकों को बता दिया, लेकिन आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। एक नौजवान 22-24 साल का इतना शानदार डांस करता है। हमारी रिसर्च टीम जब आप पर काम कर रही थी तो उसने पाया एक वीडियो सोशल मीडिया पे आपका बहुत वायरल है। डांस तो आपका समझ में आया लेकिन गाना नहीं समझ में आया। गाने के बारे में कुछ बताएं और अपने डांस की कला के बारे में, कहीं से आपने कुछ सीखा इसको या नेचुरल आपको गॉड गिफ्टेड ये डांस? सर वो डांस वीडियो मेरी वो 2 जनवरी 2023 की होगी, मेरी दीदी की शादी संगीत के पहले की थी, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसकी वीडियो है। मैं हमेशा बचपन में डांस करता था, मेरे घर वालों को पता था, बट मैं कोई क्लासेस नहीं ले पाता था। पर जब दिल्ली आया, IOCL में पोस्टिंग हुई, तब ऐसे स्ट्रेस बस्टर के लिए प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने एक डांस क्लास ज्वाइन किया हुआ था घर के साइड में। तो मेरी रुचि हमेशा से डांस पे रही है, परंतु ऐसा मौका नहीं मिला है कि मैं कोई स्टेज परफॉर्मेंस दूं, पर बहुत रुचि रहे। और वो गाना जिसमें बात कर रहे हैं, उसके इतने वीडियोस निकल चुके हैं कि गाने चेंज करके, वो याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा गाना था, बट बहुत नॉर्मल, बहुत पॉपुलर हिंदी बॉलीवुड गाना था, परंतु अब तो उसको बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस में बैकग्राउंड लगा के अभी बहुत सोशल मीडिया पे है। बट हाँ, डांस में मेरी रुचि हमेशा से अरे मैं तो आपने जो बताया कि इंडियन ऑयल में आप नौकरी भी कर रहे हैं, किस तरह की चुनौती आई या टाइम मैनेजमेंट किस तरह से आपने किया कि एक नौकरी के साथ साथ आपने यूपीएससी की भी परीक्षा दी और सफल भी हुए, इसके बारे में कुछ बताएं। जी। तो ये जो एंटायर प्लान था कि ऐसे प्रिपरेशन करूंगा, ये सपना क्लास 5वीं 6ठी क्लास से था। और जब 9th 10th में मैं आया, तब ये क्लियर हो गया था कि मैं IAS बनना चाहता हूँ। और उसी टाइम से ये क्लैरिटी मिल गई थी कि मैं जॉब के साथ करूंगा। कभी ऐसा दिमाग में आया नहीं था कि मैं प्रिपरेशन करूंगा दिल्ली में आके, सिर्फ एज एस्पिरेंट रहूंगा, क्योंकि पता थी घर की हालतें। तो ऐसा था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, और हर कोई बोलता है कि बहुत मुश्किलें आई होंगी, और आई भी थी, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट का बहुत अलग ही स्टोरी है मेरा। बहुत स्मार्ट वर्क करनी पड़ी, कहीं जहां भी 5 मिनट 10 मिनट टाइम मिलता था पढ़ता था मैं। परंतु ये भी है कि मैं जॉब के साथ खुद के मर्जी से कर रहा था, क्योंकि वो पीस ऑफ माइंड जरूरत थी कि हर महीने आपकी सैलरी में अच्छी आ रही है सैलरी, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो वो भी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। कि तो इससे मुझे एक पीस ऑफ माइंड मिलती थी कि अच्छा ठीक है, मेरे पास एक प्लान बी है, अगर इस साल नहीं हुआ तो स्टिल आई विल बी एबल टू सस्टेन। तो वो फीलिंग भी इम्पोर्टेंट है एस्पिरेंट्स को, जो समझनी चाहिए कि विथ जॉब उसके भी अपने फायदे हैं। आपके बारे में सुना है मैंने कि आपने सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए किसी प्रकार की कोचिंग नहीं ली, क्या यह सही है? जी सर, मैंने कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली, कोई क्लासरूम कंटेंट कंज्यूम नहीं किया, परंतु इतने फ्री रिसोर्सेज भी हैं, और इवन पेड भी। मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ मैं जुड़ा था, पर कोई कोचिंग नहीं ली। बट खुद, सिंस मैं अकेले प्रिपेयर कर रहा था, कोई पीयर ग्रुप नहीं था, तो बहुत टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने एनरोल किए हैं सर। अनिमेश, जब मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला कि मैं रैंक 2 अनिमेश प्रधान की IAS टॉपर का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो बहुत सारे सवाल लोगों ने आपके लिए हमें भेजे हैं। उनमें से सबसे पहला एक प्रमुख सवाल यह है कि जो
नौजवान लड़के लड़कियां आपके इस प्रोग्राम को इस वक्त सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, उन्हें आपकी सलाह क्या होगी? थोड़ा विस्तार से बताएं कि जो एकदम न्यू कमर्स है, शुरुआत कहाँ से करे और कैसे स्टेप बाय स्टेप उसे आगे बढ़ना चाहिए आईएएस बनने के लिए। पहली बात तो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं इसको एक एग्जाम की तरह लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। और जो कि मेरे लिए बन गया था, क्योंकि आपके चारों ओर जब आपकी ये आकांक्षा रहती है बचपन से कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो आपके चारों ओर जो आपके शुभ चिंतक है वही आपको इतना हाइप अप कर देते हैं कि ये तो फ्यूचर आईएएस है, तो एक प्रेशर बन जाता है। तो आप अपनी पूरी आइडेंटिटी बना देते हैं कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। परंतु ऐसा होना चाहिए कि आपकी जिंदगी का ये एक पार्ट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, परंतु आपकी पूरी जिंदगी नहीं। उसके वजह से आपको एक स्टार्ट करने से पहले ही प्रिपरेशन, ये टाइमलाइन रेडी रखना चाहिए कि मैं कितने अटेम्प्ट्स दूं और कितने साल दे सकता हूं, और इन सालों में मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट क्या रहेगी, इमोशनल सपोर्ट क्या रहेगी, फैमिली सपोर्ट कैसी रहेगी। अगर नहीं हुआ, क्योंकि आप स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है, तो आपको पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिविटी की जरूरत है कि अगर नहीं हुआ इस एग्जाम में तो आप प्लान बी क्या रखेंगे। प्लान बी सिर्फ सोचना नहीं है, उसके लिए भी प्लान रखनी चाहिए कि प्लान बी के लिए कितना टाइम लगता है, कौन सा एग्जाम होता है, उसमें कैसा सक्सेस रेशियो है। तो आप स्टार्ट करने से पहले ये एक आपके टाइम में रहनी चाहिए टाइमलाइन, और उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी आपको क्या करना है। और कुछ चीजें यह है कि ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा लोनलियर प्रोसेस बन जाता है। हम अपने खुद के जो दोस्त परिवार लोग हैं उनको अपने से दूर भेज देते हैं, तो एक सपोर्ट सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो आपके जो करीबी दोस्त है, रिलेटिव्स है, भाई बहन, पेरेंट्स है, वो एक छोटा सा ग्रुप होना चाहिए आपके लिए, जो सपोर्ट सिस्टम आपको हर रोज आपको मोटिवेट करेगी, आप जब गिरेंगे तब उठाने की प्रयास में लगी रहेगी। तो वो सपोर्ट सिस्टम की इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम में। और तीसरी चीज यह है कि आपकी जो रिसोर्सेस है, जो भी बुक, स्टैंडर्ड बुक्स, कोई भी टॉपर टॉक उठा लीजिए, मोर और लेस हर किसी का बुक्स रिसोर्सेस सेम ही रहता है। आप उन्हीं को कम रिसोर्स लिस्ट आपकी लिमिटेड रखिए, परंतु मल्टीपल रिविजन्स है इस एग्जाम में की आप जितना भी पढ़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े और बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करके पढ़े। और चौथी चीज कि आपके माइंड में क्लियर स्ट्रैटेजी, टाइमलाइन होनी चाहिए कि किस महीने में कौन सा पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि कौन सा टेस्ट सीरीज दू मैं, ताकि आपके पूरे आपके मन में पूरे एक साल की प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी नए स्टार्ट कर रहे हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। अनिमेष, विषयों का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है ऑप्शनल में और आपको इसमें रुचि थी और आपने अच्छा किया था ग्रेजुएशन में, तो आपको वो डेफिनेटली लेना चाहिए। मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से था और कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल इसमें था नहीं, और उस मैंने सोशियोलॉजी को चुना था पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि मेरा इंटरेस्ट था। मैंने कुछ हफ्ते सोशियोलॉजी के साथ बिताए और पता चला कि बहुत रुचि आ रही है मुझे इस सब्जेक्ट में। सेकेंड, आपको देखना चाहिए कि इसमें रिसोर्सेस, टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स कितने हैं। अगर वो बहुत ज्यादा ठीक ठाक है तो वो एक पैरामीटर होता है। और एक तीसरा पैरामीटर ये होता भी है कि सिलेबस कितना लंबा है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं कर सकता, जॉब के साथ करूंगा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये भी था कि, बट जब मैंने सोचा तब मम्मी की डायग्नोसिस नहीं हुई थी, तो तब ये था कि फुल टाइम तो नहीं करना, जॉब के साथ करना है, तो छोटा सिलेबस हो। तो एक स्ट्रैटेजिकली भी मैंने चुना था कि सोशियोलॉजी ऐसा जो कि जल्दी भी कंप्लीट हो सके। मुझे मैथ्स, मेरा एक दूसरा रुझान भी था, बट मैथ्स का सिलेबस थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, तो ये एक तीसरा चौथा है। और फोर्थ ये भी रहता है कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि टॉपर्स कहाँ से आते हैं, जो कि कुछ ना कुछ तो मायने रखता भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एग्जाम है। तो पहले रुचि, सेकंड रिसोर्सेस, थर्ड सिलेबस, और फोर्थ की उसका ट्रेंड कैसे आ रहा है। अनिमेष, मुझे भी यह समझना है आपसे कि आप नौकरी तो करते ही थे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, नौकरी के साथ साथ अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई के लिए कब और कितना वक्त निकालते थे? तो मेरे पास वीकडेज में बहुत अच्छे दिनों में 5 से 6 घंटे निकल पाता था। ऐसा भी होता था कि मैं किसी दिन 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ पाया हूँ,
पर उन्हें गुड डे 5 to 6 आवर्स मिल पाते थे वीकडे पे, और वीकेंड पे मैं 8 से 10 घंटे कोशिश करता था पढ़ने के लिए। तो मैं सुबह ऑफिस थोड़ा लेट जाता था, 10:30 को जाता था और 6:30 को आता था, तो सुबह जल्दी उठ जाता था, तो तभी उस टाइम पे मुझे 3.5-4 घंटे मिल जाते थे पढ़ने के लिए। तो वही मेजरली मैं फ्रेश माइंड के साथ पढ़ता था, और ऑफिस 6:30-7 आने के बाद 1-2 घंटे पढ़ लेता था। तो ऐसी मेरी टाइम टेबल होती थी सर। करंट अफेयर्स के लिए कुछ ऑनलाइन सोर्स या पत्र पत्रिकाओं का नाम आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैंने सर कोचिंग मटेरियल्स पे बहुत ज्यादा रिलाय किया था। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु मुझे पता चल गया था मेरे पास टाइम नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ूं तो वही 1 घंटा 2 घंटा ले लेता था। तो मैंने शुरुआत में द हिंदू पढ़ना शुरू किया था 1-2 महीने, परंतु समय के अभाव की वजह से मैंने कोचिंग मटेरियल्स पे रिलाय किया। इंटरव्यू के टाइम पे मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दिया था, और वो बहुत अच्छे से पढ़ता था। और मेंस खत्म होने के बाद, सिर्फ सिंस मेरी सोशियोलॉजी में रुचि थी, तो उसके बाद मैंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ईपीडब्ल्यू सोशियोलॉजी के लिए, ऐसी रुचि के लिए पढ़ा था, एग्जामिनेशन के लिए नहीं। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने कोचिंग मटेरियल्स पे बहुत ज्यादा रिलाय किया था, और इंटरव्यू के टाइम पे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। अनिमेश, कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो कई बार एकाग्रता खो देते हैं, कई बार फैमिली अफेयर्स हो जाते हैं, कोई और विषय हो जाते हैं, तो कैसे वो मानसिक तनाव को दूर रख करके इसकी तैयारी करें सिविल सेवा की, क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेरे लिए तो लास्ट 2 साल यूपीएससी की जो जर्नी थी वो छोटा मुकाबला था। मेरी मम्मी के कैंसर ट्रीटमेंट उससे बहुत बड़ा मुकाबला था। तो मेरे लिए ये था कि मैं जब पढ़ रहा हूँ तब सिर्फ पढ़ रहा हूँ, और तब किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं अपने आप को बोलता था कि मैं हर रोज 10:30 से 11 ये सब जो भय एंग्जाइटी ये सब के लिए दूंगा, जब पढ़ रहा हूं तो और कुछ नहीं, तब कोई डाउट्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना है। जो भी दिमाग में ख्याल आ रहे हैं उन सबको बोलता था कि मैं इन सबको बाद में टाइम दूंगा, और टाइम देता भी था, उनके बारे में सोचता था, जो महसूस हर किसी को महसूस करता था मैं ठीक से, जो भी एंग्जाइटी होती थी। पर मेरा ये मैसेज रहेगा कि एक तो आपकी सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए, जब आप शेयर कर सके चीजों को जो आपको एनकरेज मोटिवेट करे, और सेकेंड है कि ये एग्जाम में ब्रेक्स लेना इंपॉर्टेंट है। आप रोबोट की तरह पढ़ नहीं सकते, बीच बीच में आप हफ्ते में एक बार हाफ डे ब्रेक, मंथ में एक दिन का ब्रेक लीजिए, और कुछ मत कीजिए, विदाउट एनी गिल्ट सिर्फ एंजॉय कीजिए जो भी आपको खुशी देती है। और जब मैंने लास्ट 2 साल मैंने मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी ली है, थेरेपी में था और अभी भी हूँ। मदर के डायग्नोसिस के बाद मैंने स्टार्ट की थी। तो अगर आपके पास साधन है तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते। अनिमेश, अब हम कुछ सामाजिक विषयों पर बात करेंगे। आप ओडिशा से आते हैं, ओडिशा देश का एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। मुझे ये बताइए कि क्या कारण है कि ओडिशा में लंबे समय से एक ही दल की राज्य में सरकार है? क्या उनकी नीतियां पॉलिसी बहुत बेहतर हैं, या वे जनता को बेहतर तरीके से समझा ले जाते हैं इसलिए जनता का भरोसा जीतने में कामयाब होते हैं, या कोई दूसरा दल अपनी जनता को कन्विंस नहीं कर पाता? क्या कारण एक युवा होने के नाते आपको लगता है? मेरे हिसाब से आप ओडिशा पॉलिटिक्स को देखेंगे ना, वो एक रोल मॉडल होना चाहिए, नॉट जस्ट किसी एक पार्टी दूसरी पार्टी, बट एंटायर जो इकोसिस्टम है पॉलिटिक्स का, वो आप देखेंगे ना, कोई बहुत ज्यादा जाति हो धर्म हो किसी बेसिस पे आप देखेंगे तो नहीं होती वैसा माहौल। ओडिशा में काफी शांतिपूर्वक स्टेट है, और बहुत सालों से एक पार्टी की सरकार बनी है, और यही डेमोक्रेटिक मैंडेट रही है। तो आप अगर देखेंगे स्टैटिस्टिकली ऑल्सो, और ग्राउंड लेवल पे इम्प्रूवमेंट्स हुई है, और ऑपोजिशन का भी अभी अगर देखेंगे तो उनकी भी प्रेजेंस बढ़ रही है ओडिशा में। तो एक अच्छा लक्षण ये भी है कि लोगों के पास चॉइसेस है, एंड वो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी हाईलाइट है वो चॉइस रहना। बट आप देखेंगे तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि वो जनता को समझा पा रहे हैं वैसा, वो इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल कैंपेन इलेक्शन कैंपेन के लिए, बट परंतु ग्रास रूट लेवल पे बदलाव हुई है। आप कुछ 5-10 सालों में देखेंगे तो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रही है वो काफी बेहतर रही है, और उसके साथ एज ओडिशा में एज अ स्टेट एज अ समाज
बहुत शांतिपूर्वक रहा है, ना कोई कम्युनिटीज में कोई फाइट है, कोई हेट्रेड है, काफी शांतिपूर्वक रहा है पूरा राज्य। अनिमेश, इस समय देश भर में लोकसभा के आम चुनाव चल रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा है जातीय जनगणना का। राय बटी हुई है, कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। एक युवा आईएएस होने के नाते आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई जातीय जनगणना इस समय देश की जरूरत है? वक्त की अनुसार जातीय जनगणना करानी चाहिए? क्या सोचते हैं आप? व्यक्तिगत राय क्या है आपकी? मेरे हिसाब से एक तरह का जनगणना या फिर हमारी विश्लेषण जरूरत है, बट जिस तरीके से करना चाहिए उस पे ज्यादा हमें सोच करनी पड़ेगी, क्योंकि जाति ऐसी सेंसिटिव टॉपिक है हमारे सोसाइटी में। तो उससे एक जनगणना से वो जो जातिवाद फीलिंग है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो और ताजा हो सकती है। तो एक सेंसिटिविटी रहनी चाहिए ये पूरे टॉपिक में, परंतु ये भी हमें जानना पड़ेगा कि बहुत सालों से हमने बहुत ज्यादा अच्छी स्कीम्स है, हमारी प्रोग्राम्स रही है इक्वालिटी को लेके, रिजर्वेशन पॉलिसीज रही है, ओबीसी रिजर्वेशंस रही है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अभी है, तो उनका इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बहुत सारे कमिटीज का भी रिकमेंडेशन ये रहा है कि हम देखें कि हम ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन भी है, तो उनकी ये जो हमारी स्कीम्स है, हमारी जो आउटरीच है गवर्नेंस का, उसका इफेक्ट कितना रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जनगणना नहीं ना करके उसको आपकी जो पॉलिसी प्लानिंग है उसका इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कि कौन से वर्ग हैं उन्हीं में से भी जो कि और भी पिछड़े रह गए हैं, उनका कैसा उत्थान कर सके, उसके लिए हमें कुछ विश्लेषण करना पड़ेगा। परंतु ये भी सोच के कि हम जाति की बात करें, जो कि हमेशा से भारत के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक रहा है। अनिमेश जी, एक बहुत बड़ी समस्या अपने देश में है, करप्शन की, भ्रष्टाचार की। एक युवा आईएएस के रूप में आपको क्या लगता है, जो जमीनी स्तर पे जो करप्शन है, थाने और तहसील के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे, ग्राम पंचायतों के लेवल पे, इसको कैसे मिटाया जा सकता है? मेरा ही ओपिनियन है कि करप्शन को कंट्रोल या फिर घटाने में या फिर पूरा इराडिकेट करने में दो तरीके से हो सकता है और करना चाहिए, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन जैसे हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है, लॉज है, बट उनका इफेक्टिवनेस इतना ग्राउंड लेवल पे होता नहीं है। हर किसी को पता है इन लॉज के बारे में, पता है कि ये क्राइम है, एथिकली पता है खराब है, परंतु बॉटम अप अप्रोच में ज्यादा इफेक्टिवनेस है। ग्राम पंचायत लेवल पे, पुलिस लेवल पे हमारी जो सोशल ऑडिट्स होनी चाहिए, मनरेगा में करप्शन हो रहे हैं तो लोग ही इसमें भागीदारी है, जो जिनको क्वेश्चंस अराइज करना पड़ेगा कि ये चीजें नहीं हुई हैं जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो लोगों का पंचायत लेवल पे, सोशल ऑडिट लेवल पे ज्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा तो करप्शन होने के चांसेस कम है। सेकेंड है कि डिजिटल इनिशिएटिव्स का बहुत, टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस है ट्रांसपेरेंसी बिल्डअप करने के लिए। बहुत बॉटम अप्रोच लेवल, पंचायत लेवल से शुरू करके ऊपर तक, जब वो मिडिल मैन का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए और चीजें ट्रांसपेरेंट हो और लोग वो डिजिटल टूल से एम्पावर फील करें, तब हो सकता है। एक दूसरा मेथड है करप्शन का। और तीसरा मेथड ये भी है कि हमें जैसे किसी डिपार्टमेंट्स में हो रहा है, फिर कहीं पे हो रहा है, तो हमें समझनी पड़ेगी कि उसकी प्रोसेस में फ्लॉज क्या है, लूप होल्स क्या है, जिसको एक्सप्लॉइट करके अधिकारी करप्शन करते हैं। तो उसपे भी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है कि वो इंटरफेसिंग, वो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि सिटीजन डिलीवरी इतनी ट्रांसपेरेंट हो कि एक्सप्लॉइटेशन ना कर पाए अधिकारी करप्शन करने के लिए। सुना है आप ब्लॉगर भी बहुत अच्छे हैं, किन विषयों पर लिखना पसंद करते हैं? सर, मैं अपने मन की चीजें लिखता था, मेरे लिए वो डायरी करता था, मैं किसी को पढ़ाता नहीं था वो, बट वो मैं जो भी फील करता हूँ, देश विदेश की चीजें या फिर खुद की पर्सनल चीजें हैं, वो मैं बहुत आसान तरीके से अपनी जर्नलिंग के लिए लिखता अच्छा है, फ्यूचर में जब कभी आप अपनी बायोग्राफी लिखेंगे तो आसानी होगी। था। अनिमेश, आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? मेरी माता जी,
ये नहीं कि वो कैंसर से पीड़ित थी और उन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कुछ देखा और उसके बावजूद वो मेरे साथ हमेशा रही। परंतु मैंने उनको पूरी जिंदगी भर देखा है और बहुत सैक्रिफाइसेस स्ट्रगल्स रहे उनके लाइफ में, बट बावजूद वो हमेशा डटी रही और बहुत अच्छे वैल्यूज के साथ आती है। वो है एज ए ह्यूमन बींग, तो वो मुझे हमेशा से प्रेरित करती थी और करती रहेंगी। एक व्यक्तिगत सवाल, विवाह कब कर रहे हैं? अगले 3 4 सालों में तो नहीं, उसके बाद, परंतु विवाह एज एन इंस्टीट्यूशन मुझे बहुत फेथ है, तो बट अभी 3 4 साल में तो नहीं। तो क्या करने का इरादा है अगले 3 4 साल तक? 3 4 साल तक मैं चाहूंगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले ग्राउंड लेवल पे काम करने का, जो चीज सब जिंदगी भर सोचा है कि करूं मैं ग्रास रूट लेवल पे, वो अभी मैं ज्यादा फोकस करूंगा। परंतु ये भी मैंने सोचा, देखा है कि सोशल लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो वो पार्ट को भी मैं इग्नोर नहीं करूंगा अपने लाइफ में। परंतु अभी नेक्स्ट 3 4 ईयर्स अपने प्रोफेशनल करियर मेरी प्रायोरिटी रहेगी। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरी जीवन का लक्ष्य ये आईएएस ऑफिसर बनना एक मीन्स था और एंड यही रहेगी कि समाज में एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, लोगों की जिंदगी बेहतर करना मेरी लाइफ का लक्ष्य रहेगा बाय मीन्स ऑफ एक प्रशासनिक ऑफिसर होने के नाते। किस चीज को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? किस मायने में सर? प्रिंसिपल्स के मायने में। सर मेरे हिसाब से प्रिंसिपल आप बताएं तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है, वही है जो कि आपको पूरे लाइफ भर आपको गाइड करेंगी। और उसके साथ एक चीज होती है एम्पथी। बहुत अच्छे हालात नहीं रहे मेरे लिए, तो एक चीज जो कि लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करती है एम्पथी, जब आप दूसरों के शूज में रह के उन सोचे कि उनको कैसा लग रहा है, वैसी आपकी जब भावनाएं आएंगी तब आप बदलाव ला पाएंगे। और किस चीज को आप नापसंद करते हैं? विश्वासघात वो बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है सर। जी ज्यादातर लोग धोखा देना जानते हैं। सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आखिरी सवाल अनिमेश, जो यंग बच्चे बच्चियां आपकी तरह आईएएस बनना चाहते हैं, उनको आपका सक्सेस मंत्र क्या है? मेरा सक्सेस मंत्र हमेशा से रहा है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो आपके हाथ में है उसी को ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये एग्जाम इतना अनसर्टन है, सब्जेक्टिव है, बहुत चीजें आपके हाथ में नहीं है, परंतु उसके बारे में सोचना, उसके बारे में टेंशन लेने लेने से कुछ फायदा है भी नहीं। तो आपको उन्हीं चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए जो कि आपके हाथ में कंट्रोलेबल है। और दूसरा, आपके लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है सपोर्ट सिस्टम की, तो सपोर्ट सिस्टम को जितना क्लोज रख सके और जितना नर्चर कर सके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड, ये जैसे मैंने बताया कि इस एग्जाम को अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बनाइए, पूरा जीवन मत बनाइए, इसको अपने लाइफ का एक पार्ट ही बनाएं, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, बट पूरी लाइफ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश। बहुत बहुत आइए, धन्यवाद सर। देश के सबसे बड़े टॉक शो में हमारा मेहमान बनने के लिए, तो ये मेरा सौभाग्य भी था। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे ओडिशा के रहने वाले अनिमेश प्रधान, जिन्होंने आईएएस टॉपर्स के देश के सबसे बड़े टॉक शो एक मुलाकात में आज बताया कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और जीवन एक संघर्ष है। इस संघर्ष का, इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने वाला ही विजेता कहलाता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में। तब तक मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।